रिसर्च says that drinking ड्रिंकिंग राइट अमाउंट ऑफ कॉफी कैन एक्चुअली प्रूव वेरी for फॉर आवर हेल्थ बट analysis says सेज़ दैट फॉर द कमिंग फ्यू मंथ्स और having हैविंग क्वालिटी कॉफी स्टॉक्स इन portfolio पोर्टफोलियो कैन एक्चुअली प्रूव वेरी for फॉर आवर वेल्थ well. वेल everyone and एंड वेलकम यू ऑल लेट्स अंडरस्टैंड दिस वीडियो कि क्यों आने वाले टाइम में हमें कॉफी स्टॉक्स को जरूर अपने फोकस पर रखना चाहिए वट्स द रीजन एंड लॉजिक इट एंड ये भी बात करेंगे इनमें कि कौन सी ऐसी कॉफी मेकिंग कंपनीज़ हैं दैट आर लिस्टेड इन इंडिया एंड उनमें से सबसे बेस्ट कॉफी मेकिंग स्टॉक्स कौन से हैं सो लेट्स बिगन विदआवर डिस्कशन सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड की टॉप टेन कॉफी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में काउंट होती है बट इंटरेस्टिंगली इंडिया में जितनी भी कॉफ़ी प्रोड्यूस होती है उसमें से ऑन एन एवरेज सेवेंटी परसेंट जो है वो एक्सपोर्ट की जाती है इसका मतलब कॉफी की प्रोडक्शन तो अच्छी खासी है हमारी कंट्री में बट कंजशन उतनी ज्यादा नहीं है इसी वजह से एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है कॉफी का हमारी कंट्री में एज कंपेयर टू इट्स डोमेस्टिक यूजेज अब इसी वजह से दो चीज़ों का बेनिफिट मिल रहा है इंडियन कॉफी मेकिंग कंपनीज़ को एंड इनफैक्ट आगे जाते हुए भी देखने को मिल सकता है अब वो दोनों चीज़ें समझते हैं नंबर वन इज़ की कॉफ़ी के जो प्राइसेज हैं वो लगातार इंक्रीज हो रहे हैं इंटरनेशनली बेसिकली अगर आप समझो तो दो मेजर वेरिएंट्स होते हैं कॉफ़ी के वन इज़ अरेबिका एंड द अदर वन इज रोबस्टा तो अरेबिका कॉफी के जो प्राइसेज हैं वो अपने लास्ट सिक्स टू सेवन ईयर्स के हाइएस्ट लेवल्स पर आ चुके हैं एंड सेम रोबस्ता का है रोबस्ता कॉफी के प्राइस अपने लास्ट थ्री टू फोर ईयर्स के हाइस्ट लेवल्स पर पहुंच चुके हैं तो अगर इसी तरीके से कॉफी के प्राइसेस लगातार बढ़ते रहेंगे तो इससे वो इंडियन कंपनी जो एक्सपोर्ट्स करती हैं कॉफी का उनको एक डायरेक्ट बेनिफिट पहुंचेगा क्योंकि जितने ज्यादा कॉफी के प्राइसेस बढ़ेंगे उतना ही उनके रेवेन्यूज पे पर डायरेक्ट इंपैक्ट आएगा और इनफैक्ट ये चीज़ अभी से देखने को मिल भी रही है जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि इंडिया में तो ज़्यादातर वैसी कॉफी का एक्सपोर्ट्स किया जाता है रादर देन इट्स डोमेस्टिक कंजम्पन तो इंक्रीजिंग कॉफी प्राइसेस की वजह से इन इंडियन कॉफी कंपनीज के रेवेन्यूज इनकी प्रॉफिटेबिलिटी सिग्निफिकेंटली बढ़ती हुई दिख रही है एंड इनफैक्ट आगे जाते हुए भी ऐसी चीज देखने को मिल सकती है सो दिस इज द फर्स्ट बेनिफिट विच ओवर इंडियन कॉफी कंपनीज आर गेटिंग सेकेंड फैक्टर इज इवन मोर इंपॉर्टेंट और वो है कि ग्लोबल शॉर्टेज चल रही है प्रेजेंटली कॉफी की और ये सिचुएशन आगे भी कंटिन्यू रहने के चांसेस लग रहे हैं उसका रीजन है कि सप्लाई साइड में प्रॉब्लम्स आ रही हैं बेसिकली ब्राज़ील जो है दैट इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ अरेबिका कॉफी एंड वियतनाम जो है दैट इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रोबस्ता कॉफी तो इन दोनों कंट्रीज में ब्राज़ील एज वेल एज वियतनाम दोनों में सप्लाई साइड में प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं दोनों का एक एक करके समझते हैं वियतनाम में सप्लाई की प्रॉब्लम बेसिकली इसलिए आ रही हैं बिकॉज ऑफ द ऑन गोइंग डेल्टा वेरियंट ऑफ कोविड नाइन्टीन इसकी वजह से वहाँ पर पूरी लॉकडाउन जैसी सिचुएशन है जिसकी वजह से ट्रेड्स में प्रॉब्लम्स आ रही हैं सप्लाई में प्रॉब्लम्स चल रही है एंड यही इनफैक्ट मेजर रीजन भी है कि रोबस्ता कॉफी के प्राइस इंक्रीज होने का विच वी जस्ट डिस्कस्ड और ब्राजील की बात करें तो वहां पे तो सिचुएशन और ज्यादा वर्स है आ, वहां पे क्रॉप ग्रोइंग रीज़न्स में फ्रॉस्ट की वजह से यानी अनएक्सपेक्टेड बहुत ज्यादा ठंड की वजह से क्रॉप्स को अच्छी खासी डैमेज पहुंची है इनफैक्ट एज पर अ रिपोर्ट ओवर 100 मिलियन किलोज ऑफ कॉफी इज एक्सपेक्टेड टू बी लॉस्ट इन ब्राजील बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन तो जब क्रॉप्स ही पूरे तरीके से डैमेज या खराब हो चुके हैं वहाँ तो एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि वहां के जो फार्मर्स हैं उन्हें दोबारा से कॉफी के प्लांट्स को रीप्लांट करना पड़ सकता है और इस पूरी सिचुएशन को नॉर्मलाइज होने में फर्दर टू थ्री ईयर्स का टाइम लग सकता है तो मतलब ये जो सप्लाई की प्रॉब्लम्स अभी प्रेजेंटली चल रही हैं ये आने वाले टाइम में भी कंटिन्यू रहती हुई दिख सकती हैं और क्योंकि ये ग्लोबल सप्लाई की प्रॉब्लम जो आने वाले टाइम में दिखेंगी तो एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि ऐसे में जो इंडियन कॉफी कंपनीज हैं वो एक बहुत बड़ा और इम्प्रोमिनेंट रोल प्ले कर सकती हैं उस ग्लोबल डिमांड को पूरा करने में जो कि ब्राज़ील और वियतनाम में सप्लाई प्रॉब्लम्स की वजह से पूरी नहीं हो पा रही है और इंडिया में तो वैसे ही हमने डिस्कस किया कि इंडिया आवर इज काउंटेड अमंग टॉप टेन कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड विच आर कॉफी प्रोड्यूसिंग और उसके साथ साथ हमारी कंट्री में तो वैसे भी कॉफी के एक्सपोर्ट्स के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है तो ये ओवरऑल पूरी सिचुएशन जो है ये इंडियन कॉफी कंपनीज के लिए एक बहुत बड़ी और अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल करके आ सकती है एंड देर फॉर दिस बंपर हार्वेस्ट ऑफ कॉफी इन इंडिया विल डेफिनेटली हेल्प इट टू रिकवर इट्स लॉस ग्राउंड इन एक्सपोर्ट्स तो ये थे वो दोनों फैक्टर्स जिनका बेनिफिट प्रेजेंटली भी इंडियन कॉफी कंपनीज को देखने में मिल रहा है और आने वाले टाइम में भी देखने को मिल सकता है That's why, कॉफ़ी चाहे आपको वैसे पसंद हो या ना हो आप अवॉइड करते हो बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कॉफी स्टॉक्स को अवॉइड करना आप अफोर्ड बिल्कुल नहीं कर सकते सो so, जरूर आने वाले टाइम में इनको फोकस पे रेडार पे जरूर रखना चाहिए एंड नाउ कम्स द बिगर क्वेश्चन कि कौन सी ऐसी कंपनीज़ हैं इंडिया के अंदर विच आर लिस्टेड इन दिस सेगमेंट टी एंड कॉफी कल्टिवेशन में कौन सी कंपनीज हैं सो देर आर मेनी टू नेम अ फ्यू टाटा कॉफी हैरिसंस मलयालम धुनसेरी टी यूनाइटेड नीलगिरी सी सी एल प्रोडक्ट्स जेम्स वॉरन गुडरी की ग्रुप ये सब इसी सेगमेंट की टी एंड कॉफी कल्टिवेशन सेगमेंट की लिस्टेड कंपनीज़ हैं इंडिया के अंदर बट इफ़ वी आर टू सेलेक्ट द बेस्ट आउट ऑफ देम तो दो कंपनीज़ हैं विच वी बिलीव आर द बेस्ट कंपनीज़ टू प्ले दिस ऑन गोइंग कॉफी थीम और वो दोनों कंपनीज हैं टाटा कॉफी एंड सी सी एल प्रोडक्ट्स इंडिया लिमिटेड उसका रीज़न है कि बाकी कंपनी जो हमने डिस्कस करी वो बेसिकली टी कल्टीवेशन में ज़्यादा इन्वाल्व है मेजरली और डेडिकेटेडली कॉफी की कल्टिवेशन में जो कंपनीज इन्वॉल्व हैं वो यही दोनों हैं टाटा कॉफी एंड सी सी एल प्रोडक्ट्स इंडिया लिमिटेड प्लस दोनों ही स्ट्रॉग फंडामेंटल्स वाली कंपनी है हाईली रेप्यूटेडेड ब्रांड्स हैं टाटा के रेस्टेक्टमेंट टू एवरी वन नो टाटा कॉफी प्लस सी सी एल प्रोडक्ट्स जो है इनके कॉन्टिनेंटल ब्रांड के अंदर कॉफी सेल आउट होती है इंडिया के अंदर विच इज ऑल्सो वेरी बिग एंड पॉपुलर ब्रांड इन इट सेल्फ तो ये दो कंपनीज़ हैं जिनको आने वाले टाइम में जो करंट ग्लोबल कॉफी सप्लाई की प्रॉब्लम चल रही है उसका एक डायरेक्ट बेनिफिट इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है और पॉजिटिवली ये कंपनीज़ इम्पैक्ट हो सकती है सो आई होप यू गाइज इन्जॉयड दिस वीडियो ये कंटेंट आपको समझ भी हो और साथ साथ आपका कुछ वैल्यू एडिशन भी हुआ थैंक यू सो मच एवरी टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे